हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस इंग्लिश ऑनर्स का मैं लेकर के आया हूं, और ये आपका सेशन आपका जो है यहां पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2023 से लेकर के 2027 का NEP का 2000 का ये सिलेबस है। और सिलेबस जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम लोग जो है कोई भी टारगेट को अगर हम लोग सेट करते हैं, तो उस टारगेट को सेट करने के बाद उस टारगेट को हम लोगों को हिट करने की जरूरत होती है, तो इसके पहले हम लोगों को मतलब कि क्या पढ़ना है, क्या जानना है, वो बहुत जरूरी हो जाता है, समझिए ना। तो ऐसे में आप लोगों को सेमेस्टर टू का इंग्लिश ऑनर्स मेजर पेपर का जानना बहुत जरूरी है। और अब इसमें हम लोग जो है मेजर पेपर जो है वन, आप लोग ऑलरेडी सेमेस्टर वन में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जो है मेजर टू और थ्री की बात करेंगे। इसमें आप लोगों को इंग्लिश मेजर में दो दो पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो काफी कंपलसरी है और काफी मैंडेटरी है डियर स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा लोगो है, समझिए ना, मिरेकल इंग्लिश क्लासेस का, समझिए ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मेजर पेपर में आपका क्या है। मेजर पेपर वन की अगर हम लोग बात करेंगे, मेजर पेपर टू की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर हम लोग देखेंगे मेजर पेपर टू, ये आपका जो है ये पेपर पढ़ना है, समझिए ना। क्लोज नहीं लगा दो ना तुम बस, तो मेजर पेपर ये आपका टू पढ़ना है। तो मेजर पेपर टू में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर आपका 14 सेंचुरी से लेकर के 17 सेंचुरी पढ़ना है। आप एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों ने सेमेस्टर वन में पढ़ाई किया, वो सेमेस्टर वन जो है ये कंप्लीटली आपका डिफरेंट है आपका सेमेस्टर टू से। सेमेस्टर टू जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका यहां से चालू हो जाता है। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है जो गाइडलाइन नहीं लेंगे और जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर जो कमांड नहीं बनाएंगे, उनको काफी दिक्कत होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कहीं पर भी आप लोग क्लासेस आप लोग कीजिए, समझिए ना। और मेरा यूट्यूब चैनल में है और हमारा एप्लीकेशन भी है मिरेकल ऑफ लिटरेचर पर, जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो आप पढ़ाई जारी कर सकते हैं, समझिए ना। तो ये 14 सेंचुरी से हमारा एकदम इंग्लिश लिटरेचर चालू हो जाता है। अगर आपका बेस अभी खराब हो जाएगा, तो आगे आने वाला दिन में आपको जरा सा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा और आपका आगे अच्छा नहीं होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है क्लासेस कहीं भी जो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा गाइडलाइन करते हैं, ऑनलाइन या तो ऑफलाइन के माध्यम से जरूर पढ़ें। आपका हजारीबाग में मेरा जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है चल रहा है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, समझिए ना। तो यहां पर मेजर पेपर में हम लोग जो है ब्रिटिश लिटरेचर 14th और 17th सेंचुरी की बात करेंगे। अब यहां पर जो है यूनिट वाइज यहां पर बांटा गया है डियर स्टूडेंट्स। अब यूनिट वन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिट वन में ये यूनिट आपका टोटल जो है 4 यूनिट्स का है। आपका स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दी सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी रिस्पेक्टिव एजेस इन इंग्लैंड फ्रॉम दी 14th टू 17th सेंचुरी। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है सेमेस्टर टू से चालू हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे लोग जो है गाइडलाइन नहीं लेते हैं और कहीं पर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। और
बुक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर कमांड बनाना, क्योंकि आपका ज्यादातर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। तो ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, समझिए ना। अब आगे हम लोग आ जाते हैं सेमेस्टर, ये आपका यूनिट टू में, इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब यूनिट टू की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट टू में जो है आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, आपका ब्रिटिश पोएट्री है। तो ब्रिटिश पोएट्री में हमारा पहला जो पोएट्री नन्स प्रीस टेल्स है, जो जॉफ्री चौसर का है, ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो शुरुआत जो है ना हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड से होता है। लेकिन आप लोगों का सिलेबस में जो है 14 सेंचुरी से पढ़ना है, तो 14 सेंचुरी का आपका नन प्रीस टेल का यहाँ पर एक आपको बुक पढ़ना है। उसके बाद आपका ये हिम टू गॉड द फादर, ये जॉर्डन का एक आपका मेटाफिजिकल पोएट्री का बुक पढ़ना है। आपका हाउ सून है टाइम, एक आपका जॉन मिल्टन का पोएम पढ़ना है। द गार्डन एंड्रू मार्वेल का पढ़ना है। तो ये आपका 4 आपका यहाँ पर जो है पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड है जो आप लोगों को पढ़ना है और समझना है चीजों को। बहुत लोग जो है सोचता है यूट्यूब में हम लोग 5 मिनट 10 मिनट देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वैसे में आप लोग जो है क्या करेंगे, आप लोग जो है आगे चल करके बहुत दिक्कत होगा। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि सर आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप तुम जो है पढ़ो या ना पढ़ो डोंट वरी, लेकिन मैं एज ए टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को गाइडलाइन करूंगा कि जो है अपने सब्जेक्ट पर आप लोग कमांड बना करके रखिए, क्योंकि आप लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। अगर लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते अगर आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं बनाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय में आपके साथ में काफी दिक्कत होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट थर्ड की बात करेंगे, हम लोग इसमें यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में एज यू लाइक इट पढ़ना है, जो विलियम शेक्सपियर का है। ये एज यू लाइक इट आपका एक ड्रामा है, सेमेस्टर 1 में आप लोग यू वॉज बींग एक्वाइंटेड इन सेमेस्टर 1 अबाउट द ड्रामा एंड द कॉमेडी एंड ट्रेजडी के बारे में आप लोग जो ऑलरेडी एक्वाइंटेड हो चुके हैं सेमेस्टर 1 में, उसी को जो है यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ना है एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का। अब यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री जो है ये ड्राइडन का पढ़ना है। ये हमारा क्रिटिसिज्म है, समझिए ना, क्रिटिसिज्म है। आप लोगों का एक नया चीज इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। आप लोगों ने लिटरेचर में आप पढ़ा होगा कि पोएट्री होता है, ड्रामा होता है, शॉर्ट स्टोरीज होता है, एसे होता है, लेकिन आपका अगर और लिटरेचर का ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्रिटिसिज्म है जो आप लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। दो दो चीज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का और क्रिटिसिज्म है। ऐसे में आप लोगों को टीचर का गाइडलाइन लेना बहुत जरूरी है, समझिए ना। अब आगे हम लोग, ये तो हो गया हमारा 4 ही यूनिट है एक आपका बुक में। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा ये मार्क्स पूछने का आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो आप लोग जो है पैटर्न बिल्कुल सेमेस्टर 1 की ही तरह है, समझिए ना। आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सॉरी इंटरनल एग्जामिनेशन आपका 25 मार्क्स का है, ये आपका कॉलेज का बपूती मार्क्स है, समझिए ना। ये कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन ये आपका जो लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ कैन यू गेट ए गुड मार्क्स आउट ऑफ द 25, है ना। नाउ वी कम टू द एंड सेमेस्टर, कहने का मतलब फाइनल जो हमारा एग्जाम होगा वो कितना होगा, 75 मार्क्स का होगा। इसमें 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 क्वेश्चन जो लिखने का रहता है, समझिए ना। इसमें आपका टिक लगाने वाला एमसीक्यू नहीं रहेगा, आपका 1 सेंटेंस लिख करके आपको आंसर देना रहता है, वो हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 10 मार्क्स का है डियर स्टूडेंट्स। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है आपका 60 मार्क्स का, तो ये आपका टोटल आपका 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 60 मार्क्स, ये टोटल कितना हो गया आपका
आपका 75 मार्क्स। तो फाइनल कहने का मतलब एंड सेमेस्टर में आप लोगों का 75 मार्क्स का पूछेगा। ये आपका मेजर टू का रहा और आप लोगों को क्लासेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को क्लासेस करना है तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को, ये मिरेकल ऑफ लिटरेचर है ना, मिरेकल ऑफ लिटरेचर, ये मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आपका ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 9546383049, समझिए ना, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मतलब कि जुड़ सकते हैं, समझिए ना। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये सेमेस्टर टू में क्लासेस करना क्यों ज़रूरी है। सेमेस्टर टू में इसलिए क्लासेस करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एक हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चालू होता है जो काफी लोगों का बोरिंग चीज होता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लास में जो है काफी इंटरेस्टिंग तरीके से और फनी तरीके से मैं बताऊंगा जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो सारा आपका माइंड में और सारा आपका ब्रेन में हो जाएगा। तो आप लोग जो है ये चांस को मिस्टेक मिस ना करें। तो ऑफलाइन अगर हजारीबाग में अगर रह रहे हैं, अगर सुविधा है तो ऑफलाइन क्लासेस आकर के कर लें, और जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस का सुविधा नहीं है उन लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझिए ना। अब हमारा जो रह गया पेपर टू का, समझिए ना, तो पेपर टू में हम लोग आप देखेंगे मेजर पेपर थ्री में, सॉरी मेजर पेपर थ्री में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, समझिए ना। तो पेपर थ्री में हम लोगों का है ब्रिटिश पोएट्री एंड ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश पोएट्री एंड ब्रिटिश ड्रामा ये आपका 18 सेंचुरी को यहाँ पर ये कवर कर रहा है हमारा पेपर थर्ड, समझिए ना। तो इसमें क्या पढ़ना है, यूनिट में स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दी सोशल, इसमें भी सोशल आपका पोलिटिकल एंड रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड इन इंग्लैंड, मतलब 18 सेंचुरी का सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। यही आपका काफी टफेस्ट सब्जेक्ट है। अगर सेमेस्टर टू में अगर आप नहीं संभले तो आगे आने वाला सारा सेमेस्टर में इवन आपका एमए में भी और यहां तक के सारा कंपटीशन में आप लोगों का प्रॉब्लम खड़ा होगा इसका, समझिए ना। और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था सेमेस्टर वन भी आपका। आपका था इंडिविजुअल पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट, इसमें इंडिविजुअल पोएट्स के बारे में एंड ड्रामाटिस्ट के बारे में पढ़ना है, देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स एज वेल एज द सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स, और उसमें उस जमाने में क्या क्या लिटरेरी मूवमेंट्स हुआ उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, एंड स्कूल्स इन द 18th सेंचुरी। तो आपका फर्स्ट यूनिट जो रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका रहेगा। और ये आपका एग्जामिनेशन पास करना एक अलग बात हो गया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को अगर बेस अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आने वाला सारा सेमेस्टर खराब होगा और आप लोगों का जो कंपटीशन होगा वो भी ठीक नहीं रहेगा, समझिए ना। तो आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये आपका यूनिट टू में हम लोगों का यूनिट टू में क्या पढ़ना है, आपका एसे ऑन मैन पढ़ना है, एपिस्टल वन एलेक्जेंडर पॉप का पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द स्कूल फॉर स्कैंडल पढ़ना है, ये भी हमारा ड्रामा है किसका, रिचर्ड बी सेरिडन का है ये। और फिर यूनिट फोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका दो पोएम है, आपका द टाइगर हो गया, द लैम्ब हो गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम ब्लैक के
द्वारा लिखा गया है, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ये विलियम कोपर का आपका लिखा हुआ है। तो ये आपका इसमें भी आपका मेजर पेपर थर्ड में भी 4 यूनिट है। कहने का मतलब है दोनों पेपर में आपका 4-4 यूनिट है, समझिए ना। आप लोग जो है अच्छे से आप लोगों का तैयारी करवा दिया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। आप इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मार्किंग डिवीजन क्या है। तो एज यूजुअल है उसका, जैसे कि सेमेस्टर ये 1 में था और आपका सेकंड पेपर में था, ये आपका इंटरनल जो है 25 मार्क्स जो है आपका पूछा जाएगा, इंटरनल जो कॉलेजेस में मार्क्स मिलता है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका 75 मार्क्स का है, जिसमें 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 रहेगा 5-5 नंबर का, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 15-15 नंबर का। ये टोटल हमारा कितना हो गया, 75 मार्क्स रहेगा। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे जैसे आप लोग सेमेस्टर बढ़ते चले जाइएगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका हटते चले जाएगा और मेजर आपका जो है वो बढ़ते चले जाएगा। इसी तरह से सेमेस्टर थर्ड में होगा, आप लोगों का ट्यूशन जो है सेमेस्टर 6 तक ही करना है, उसके बाद आप लोगों का सारा अच्छा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको मेंटली और फिजिकली आप लोग जो है तैयारी कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं मुझे, कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को जो दिया गया है। और साथ में ही आप लोग जो है अभी से अपना तैयारी को बूस्ट रखिए, ताकि आप लोगों का आने वाला में लेक्चरर का एग्जाम हो, TGT का हो, PGT का हो, या तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मैं गाइड करता हूँ, समझिए ना। और मैं खुद ही अभी इंग्लिश में PhD कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, समझिए ना। ये वीडियो को जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।